पिछले वीडियो में हमने क्यूआर कोड का इस्तेमाल एक वेबसाइट के लिंक से एक क्यूआर कोड बनाने के लिए किस तरह हम कर सकते हैं देखा, यानी कि इस समय जो सिचुएशन है उसमें हम अपनी जो बिजनेसेस हैं उसके बारे में जानकारी लोगों को देने के लिए इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई वेबसाइट मौजूद हो या फिर अगर आपका फेसबुक का पेज हो तो उस पेज के लिंक का भी आप क्यूआर कोड बना सकते हैं, वो भी बिना मूल्य। ये क्यूआर कोड जैसे हमने देखा कि आप अपने मोबाइल पर क्यूआर कोड जनरेटर नाम का ऐप इंस्टॉल करके कर सकते हो, या फिर कंप्यूटर पर क्यूआर कोड जनरेटर की बहुत सी साइट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने qrcodemonkey.com नाम की एक वेबसाइट देखी जो दूसरे साइट से ज़रा इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी साइट्स का इस्तेमाल करके आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। क्यूआर कोड जनरेट करने के बाद आप उस क्यूआर कोड की जो इमेज है उसे अपने कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हो और आपको जितनी बड़ी साइज़ में उसे प्रिंट करना हो उसे प्रिंट कर सकते हो। बड़ी साइज़ में प्रिंट करने से फ़ायदा ये होता है कि लोग अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर उनके पास क्यूआर कोड स्कैनर का ऐप है तो उस ऐप का इस्तेमाल करके वे दूरी से ही उस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, यानी कि जितनी बड़ी क्यूआर कोड की इमेज होगी उतनी दूर से क्यूआर कोड को स्कैन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी देते हो और आपके एस्टेब्लिशमेंट का अगर कोई पैकेजिंग अपना खुद का पैकेजिंग है तो उसके ऊपर भी आप ये क्यूआर कोड प्रिंट कर सकते हो जो कि छोटा होगा। तो उस क्यूआर कोड के माध्यम से आप कस्टमर को अपने बिजनेस के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी है वो दे सकते हो। इसके लिए आपका अगर मौजूदा वेबसाइट है तो उसका आप लिंक उसके अंदर क्यूआर कोड में इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ हम आज ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास मौजूदा वेबसाइट नहीं है तो आप एक फ्री वेबसाइट बना सकते हो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, गूगल साइट्स नाम की एक वेबसाइट है, गूगल की है। गूगल साइट्स नाम से अगर आप सर्च करोगे तो sites.google.com नाम की आपको लिंक दिखाई देगी। इस पर क्लिक करने पर ये sites.google.com नाम से ये वेब पेज खुलेगा। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स हैं, ये काफ़ी प्रोफेशनल लुकिंग टेम्पलेट्स हैं और इसके अंदर आप एक फ्री वेबसाइट बना सकते हो, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाकर दिखाया था एक रेस्टोरेंट के मेन्यू का। तो यहाँ पर गूगल साइट्स के बारे में ही कुछ हम अतिरिक्त जानकारी आज लेंगे। गूगल साइट्स में साइट्स बनाने की विशेषता ये है कि ये विनामूल्य है और इसके बदले में आपके वेबसाइट पर किसी भी तरह की कोई एडवर्टाइज गूगल नहीं देता, जो कि बहुत से जो फ्री वेबसाइट्स देने वाली कंपनियां हैं वे आपके वेबसाइट के साथ में अपनी ऐड डाल देते हैं। तो गूगल के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये आपकी बिल्कुल सिर्फ आपका ही जो इन्फॉर्मेशन है वही आपके वेबसाइट पर रहेगा, ये इसकी खासियत है। तो यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो जो डिज़ाइन की अपेक्षा से या कंटेंट जनरेट करने की अपेक्षा से हर एक को उसका अनुभव नहीं होता। तो गूगल की साइट बनाने के लिए आपके पास सिर्फ़ एक गूगल का अकाउंट होना ज़रूरी है, यानी कि अगर आपका जीमेल का अकाउंट हो तो वही आपका गूगल का अकाउंट भी होता है। तो मात्र उतनी ही आपकी प्री रिक्विजिट है। अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट हो तो आप एक गूगल साइट बना सकते हो। तो गूगल साइट बनाने के बाद में हम इसे ओपन करके देखें। जो मैंने पिछले वीडियो में एक वेबसाइट बना के आपको दिखाई थी, किसी ने अगर ये पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे ज़रूर देख लें ताकि आपको कुछ बातें उसके अंदर छूट न जाएं,
इस समय मैं जो समझा रहा हूँ, तो इस तरह से ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने जो साइट बनाई थी वो अपने नाम से ही बनाई थी, sites.google.com/view/संजय राजूरे। तो ये जो URL है आपको फ्री में मिल जाता है। तो यहाँ पर जब आप नई साइट बनाते हो तो आप अपना एक अपने बिजनेस का नाम यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो, अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है, रोड साइड बिजनेस है, या आपको सिर्फ मेनू से मतलब है, वेबसाइट से कोई खास मतलब नहीं है, तो आपको अगर दिक्कत ना हो तो ये फ्री वाले जो लिंक है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको अपने ही नाम का कोई स्पेशल नाम चाहिए, अपना जैसे myrestaurant.in या .com इस तरह से, या कोई अच्छा सा अपना खुद का डोमेन नेम अगर चाहिए, तो आप सिर्फ डोमेन नेम का भी इस्तेमाल करके गूगल साइट्स में ये यूज़ कर सकते हो। यानी कि आप सिर्फ डोमेन नेम रजिस्टर करो और उस डोमेन नेम को गूगल साइट्स के साथ में जोड़ दो। तो इससे होगा क्या कि आपका जो वेब होस्टिंग का जो है खर्चा बच जाएगा। कोई भी जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर दो तरह के खर्चे होते हैं। पहला तो होता है कि आपका जो डोमेन नेम है, आपकी वेबसाइट का जो नाम है, तो जैसे merahotel.in है, मैंने अगर नाम बनाया कि merahotel.in, तो ये नाम मुझे अगर चाहिए तो मुझे डोमेन रजिस्ट्रार के वेबसाइट पे जाके पहले ये देखना होगा कि क्या ये किस पहले से ही किसी ने इस नाम को बुक तो नहीं किया है। तो ये जो वेबसाइट के नाम बनाने वाली जो साइट होती है वो भी गूगल के पास अवेलेबल है, और ये दूसरे कंपनीज़ के तुलना में सस्ती है। तो ये जो वेबसाइट है ये भी हम देख लें यहाँ पे, इसका नाम है गूगल डोमेन्स। तो गूगल डोमेन्स ऐसे लिखने पर ये domains.google.com नाम से वेबसाइट खुल जाएगी। तो गूगल डोमेन्स के वेबसाइट पे जाने के बाद में, अगर आपका कोई पहले से डोमेन नेम ना हो तो आपको सीधा वो एक डोमेन बुकिंग की लिंक यहाँ पे दिखाएगा, जहाँ पर आप अपना नाम, आपको जो भी नाम बुक करना हो ये यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ मैंने एग्जांपल के लिए कोई नाम यहाँ पे टाइप किया है। तो अगर आप जैसे सिर्फ नाम टाइप करते हो तो उसकी अवेलेबिलिटी हमको यहाँ पे दिखाई देती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च के लिए टाइप किया कि माय न्यू साइट, यहाँ पे क्या क्या अवेलेबिलिटी है। mynewsite.co.in अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमको ये रेट दिखाता है कि 790 रुपीज़ पर ईयर, और फिर दूसरा दिखाता है कि .in भी अवेलेबल है लेकिन नाम के थोड़े से वेरिएशन के साथ में। तो मुझे लगता है कि 800 रुपये के आसपास, 800 से 900 रुपये तक के आसपास हमको .in या .co.in, तो ये आमतौर पे अगर हम भारत में बना रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम .com ही नाम ले लें, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको .com नाम इम्प्रेसिव लगता है तो आप .com भी सेलेक्ट कर सकते हो, अगर उसे किसी ने पहले ही बुक ना किया हो तो। अगर .com ना मिले तो ये देखें कि .in मिलता हो तो। तो यहाँ पर तो जो डोमेन के जो एंडिंग्स हैं, जो एक्सटेंशंस हैं, वो बहुत सारे हैं यहाँ पे, जैसे इन है, या साइट नाम की भी एक्सटेंशन बनी है, और ORG है, .net है। इस समय तो सैकड़ों एक्सटेंशंस हैं। अगर आपको अपने बिजनेस स्पेसिफिक डोमेन्स चाहिए तो वो भी आपको मिल सकते हैं, जैसे शायद होटल्स के लिए या किसी खास प्रोफेशन के लिए अलग से डोमेन्स बने हैं, लेकिन शायद उसकी जो रेट है वो ज़्यादा होती है। यानी कि उसको, उस नाम को बुक करने के लिए और उसे उसकी जो एनुअल फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और इस समय मेरे देखने में ये है कि .in और .co.in, यानी बिजनेस के हिसाब से अगर हम कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हों, तो ये दो डोमेन नेम्स आप प्रिफर करोगे, .in और .co.in।
को डॉट इन यानी कंपनी, यानी कि आपकी कोई भारत के अंदर कोई कंपनी है तो डॉट को इन, और अगर आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट है जिसे आप कंपनी नहीं कह सकते, कोई बिजनेस है, तो शायद आप डॉट इन से आपका काम चल जाएगा। तो ये डॉट इन जो है वो काफ़ी आसानी से मिल सकते हैं आपको, और ये 800 से लेकर 900 रुपए तक का इसका एनुअल चार्ज होता है। ये जो एनुअल चार्ज है ये मेरी जानकारी में गूगल डोमेन्स के ऊपर ये सबसे कम चार्जेस हैं। दूसरे जो डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स हैं वो शायद थोड़ा सा इसे ज़्यादा भी चार्ज करते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए मेरा एक किसी अमेरिकन कंपनी के ऊपर मैंने डोमेन नेम अपना रजिस्टर किया था शुरुआत में, तो वहाँ पर वो लोग मुझे लगभग 2,500 से लेकर 3,000 रुपये तक सिर्फ डोमेन नेम को रिन्यू करने के लिए वो लोग लेते थे हर साल का। तो उस समय गूगल डोमेन्स भारत में अवेलेबल नहीं था, इसलिए जैसे ही गूगल डोमेन इंडिया में अवेलेबल हुआ लगभग शायद 1 या 2 साल पहले, तो तुरंत मैंने अपना जो डोमेन नेम था गूगल डोमेन पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस समय मैं लगभग 850 रुपये अब मेरा जो डोमेन नेम है उसके रिन्यूअल के लिए गूगल को देता हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी हल्का हुआ काम इससे। और दूसरा ये है कि इसमें हम जो मेंटेनेंस का काम होता है डोमेन को किसी वेबसाइट के साथ लिंक करना या सब डोमेन्स बनाना, एक ही नाम के ऊपर अलग अलग वेबसाइट्स बनाना, ऐसे भी हम कर सकते हैं। जैसे कोई एक मेन नाम है जैसे मेरे वेबसाइट का नाम है, तो उसके ऊपर फॉरवर्ड स्लैश करके एक दूसरा नाम डाल दो, तो वो जो उसका नाम है उसको सब डोमेन कहते हैं। तो सब डोमेन के ऊपर आप एक अलग वेबसाइट बना सकते हो। जैसे आपकी कोई बिजनेस की कोई एक चेन है तो उसके लिए आपने एक नाम उसके लिए तय किया और 3 उसके अलग अलग आउटलेट्स हैं, तो आप तीनों आउटलेट्स के लिए 3 अलग वेबसाइट बना सकते हो सिर्फ सब डोमेन उसका अलग देकर। तो इसके लिए अतिरिक्त खर्चा नहीं आता यहाँ पे, सिर्फ डोमेन नेम का ही आपसे आपको खर्चा होता है। तो ये हुआ डोमेन नेम के बारे में। ये आप गूगल डोमेन से वहाँ पे आप बुक कर सकते हो। पहले ये डॉलर में पेमेंट लेते थे, इस समय वे रुपीज़ में भी पेमेंट ले रहे हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये इसकी ऑनलाइन फ़ीस भरने में। तो दूसरा जो खर्चा होता है इसका वो होता है वेब होस्टिंग का। वेब होस्टिंग यानी हमने जो नाम बनाया है उस नाम को जब कोई टाइप करेगा तो टाइप करने के बाद में जो पेज दिखाई देता है, तो वो जो पेज है वो पेज किसी कंप्यूटर के ऊपर स्टोर किया होता है। तो वो जो स्टोर करने के लिए जो पैसा लेते हैं वो लोग साल में कुछ पैसा लेते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे डोमेन नेम बुक करने के लिए हमने 800 रुपये दिए, तो उसकी वेबसाइट बनाने के लिए शायद आपको 2,000 से लेके 10,000 रुपये तक, जो बेसिक वेबसाइट होती है उसके लिए 2,000 के ऊपर ही आपको खर्चा आएगा। अगर आपको कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करने हो अपने वेबसाइट पे, जैसे ऑनलाइन सेल करना है, स्पेसिफिक आपको ज़रूरतें ना हो, तो जो नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट है इसको हम स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। जैसे एक वेबसाइट होती है जिसके ऊपर कुछ पिक्चर्स दिखाई देते हैं, कुछ टेक्स्ट होता है, और यहाँ पे आप हिंदी में बना सकते हो, हिंदी या भारत की किसी भी भाषा में बना सकते हो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी वेबसाइट इंग्लिश में ही हो, आपकी लोकल लैंग्वेज में भी आप वेबसाइट बना सकते हो। तो ये जो वेबसाइट है इसका यहाँ गूगल डोमेन में आपने समझो कोई नाम बुक कर दिया, तो उसके बाद आता है ये गूगल साइट्स। तो गूगल डोमेन में आपने जो नाम बुक किया हो, तो समझो मैंने यहाँ पे बुक किया mynewsite.in या .co.in, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ वेबसाइट, तो बनाते समय यहाँ पे हमको एक कस्टम URL करके ऑप्शन आता है, तो उसके अंदर आप बुक किया हुआ डोमेन नेम है यानी आपका जो .com है .in है वो यहाँ पर लिख सकते हो। तो लोग जब भी उस URL को टाइप करेंगे तो ये गूगल वाली साइट ओपन हो जाएगी। यानी इससे क्या होगा कि आपका जो वेब होस्टिंग का जो खर्चा है वो बच जाएगा, और ये बिल्कुल प्रोफेशनल क्वालिटी के वेबसाइट्स हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो इसके लिए आपको अलग से
वेब होस्टिंग के लिए खर्चा करने की ज़रूरत ना हो नहीं है, बशर्ते कि अगर आप यू आर विलिंग टू पे एंड यू डोंट माइंड पेइंग द एक्स्ट्रा वर्क, तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें एक और फैसिलिटी जो पिछले वीडियो में छूट गई थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जब हम साइट बनाते हैं तो साइट बनाते समय हमको बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकती है कि इसका डिज़ाइन हम नहीं कर सकते या हमारे पास उतना समय नहीं है ये सब डिज़ाइन करते बैठने के लिए। और इस लॉकडाउन के समय में हम किसी को बुला भी नहीं सकते कि भाई कोई आके हमारे कंप्यूटर पर बैठ के इसको डिज़ाइन कर दे। और दूसरा डर ये भी रहता है कि मेरा जो वेबसाइट है जो मैंने बनाया है उसको मैंने मेरे गूगल के लॉगिन नेम और पासवर्ड के साथ बनाया है, तो अगर मुझे इसको डिज़ाइन करने के लिए किसी को देना है, मैं किसी को चाहता हूँ कि किसी की हेल्प ले लूँ, कोई दोस्त ही हो या कोई प्रोफेशनल ही हो जिससे हमको वेब डिज़ाइनिंग के लिए हेल्प लेनी है, तो हमें यह डर लगता है कि हम अपना जो गूगल का यूज़र नेम और पासवर्ड है उसको अगर देंगे तो वो हमारे जो सारी गूगल की सर्विसेज है वो एक्सेस कर सकते, तो वो जो है हमारी गूगल की सारी सर्विसेज एक्सेस कर सकता है। तो इसके लिए गूगल साइट्स के अंदर एक विशेष प्रकार की सुविधा दी हुई है। तो जैसे ही आपने गूगल साइट्स के ऊपर ये साइट बनाई विथ डोमेन नेम और विदाउट डोमेन नेम, कोई कस्टम डोमेन नेम की ज़रूरत नहीं है, बिना कस्टम डोमेन नेम के गूगल साइट्स के ऊपर आप फ्री वेबसाइट बना सकते हो। तो बनाने के बाद में यहाँ पर देखें शेयर विथ अदर्स करके एक ऑप्शन आता है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन दूसरों से बनवाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे करना इतना है कि जिससे भी आपको अपने वेबसाइट के डिज़ाइन के लिए हेल्प लेनी है उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखें और डन कर दें। तो जैसे यहाँ पे मैं अपना ही एक दूसरा ईमेल एड्रेस लिखता हूँ आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पे आएगा नोटिफाई पीपल, यहाँ पे मैसेज लिखें, जैसे हमने लिखा और इसको सेंड कर दिया, तो ये एक ईमेल जाएगा उस पर्सन को जिसका ईमेल एड्रेस आपने यहाँ लिखा हो। तो इससे होगा क्या, तो यहाँ जाके देखिए यहाँ पे एडिटर लिखा है, पब्लिश्ड व्यूअर और एडिटर नाम से दो ऑप्शंस हैं। तो जब आप एडिटर के ऑप्शन से किसी को ईमेल भेजते हो तो वो आदमी आपकी वेबसाइट को एडिट कर सकता है, तो वो आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकता है, वो आपने जो भी उसको बताया हो कौन से फ़ोटोग्राफ्स का इस्तेमाल करना है, कौन सा टेक्स्ट डालना है, अगर आपने उस व्यक्ति के साथ में एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो आप उसे सारे जो अलग अलग समय में आपके वेबसाइट में जो भी चेंजेस करने हो तो उसे करवा सकते हो, तो उस व्यक्ति को आप एडिटर के परमिशन दोगे। इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है पब्लिश्ड व्यूअर करके, यानी कि वेबसाइट पब्लिश होने के बाद आप इमीडिएटली किन्हीं लोगों को, जैसे अपने फ्रेंड सर्कल को या अपने कंपनी के अंदर के जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट इस तरह से बनी है तो एक बार देख के बताएं कि ये कैसी रही, तो उनको मेल जाता है। तो वेबसाइट बताने के लिए किसी को भेजना हो तो पब्लिश्ड व्यूअर कीजिए, और वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए किसी की हेल्प लेनी हो तो एडिटर पे ऑप्शन पे सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे उन लोगों का ईमेल एड्रेस लिखें और इसको यहाँ से सेंड कर दीजिए। तो इससे एक होगा क्या कि एडिटर को सिर्फ इस वेबसाइट के एडिट करने तक ही एक्सेस होगा, गूगल के दूसरे अकाउंट्स में आपके जो गूगल के जो दूसरी सर्विसेज हैं उसमें उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये इसके अंदर बहुत बड़ी एक सिक्योरिटी वाली फ़ीचर है। तो गूगल साइट्स के अंदर ये स्पेसिफिक सिक्योरिटी फीचर है कि आप अपने वेबसाइट के डिज़ाइन के लिए किसी की हेल्प ले सकते हो बिना यूज़र नेम और पासवर्ड दिए हुए। तो ये खास बात मुझे पता चली जो गूगल साइट्स के अंदर है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो ठीक है, आज हम यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।